नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं या फिर आप नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपके साथ हाल ही के अंदर की एक खास चर्चा करेंगे। चर्चाओं में अगर आप देखें कि अब शिक्षा मित्रों के ही तर्ज पर होंगी नियुक्तियां, यानी कि शिक्षक वीर अब शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण पक्का। पूरी खबर क्या है जानेंगे आगे वीडियो में, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूलों में अस्थाई शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि यहाँ पर अग्निवीर के बाद अब जो अस्थाई शिक्षक है या फिर जो शिक्षक है, उन्हें अब सरकार सबसे पहले, यानी कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो पहले संविदा पर होगी, यानी कि शिक्षकों के स्थान पर अब शिक्षावीर भी होंगे। पहले संविदा पर कार्य करना होगा, उसके बाद में कुछ सालों के बाद में कुछ परसेंट ही उसमें से अस्थाई शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा मित्रों की तरह से ही ये नियुक्तियां होने वाली हैं। जहां पर अस्थायीकरण की मांग चल रही थी, वहीं पर अब सरकार दोबारा से संविदा पर नियुक्तियां करने वाली है। फिलहाल के लिए अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा साथी इससे आहत होंगे, क्योंकि लगातार ये आशाएं होती हैं कि हम एक अस्थाई शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। क्योंकि एक अस्थाई शिक्षक के रूप में अगर आप कार्य करते हैं तो आपका मन भी कार्य में लगा रहता है, एक भय भी नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लगातार विवादों के घेरों में सरकार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी साथी वेट करें कि क्या शिक्षा मित्रों को लेकर के, शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के शासन स्तर पर कोई कार्यवाहियां 27 जून को होती है या फिर नहीं। तब तक के लिए साथी चैनल पर बने रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।